आपके स्कूल के लिए कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटिक बेल एवं अनाउंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गुरुकुल ऑटोमेटिक बेल। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बेल या अनाउंसर से आप क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। गुरुकुल बेल एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक बेल रिंगर एवं अनाउंसर है। इसमें आप अपने टाइम टेबल के अनुसार बेल या अनाउंसमेंट अपनी मनचाही टोन में सेट कर सकते हैं और प्यून को बेल बजाने के काम से आराम दे सकते हैं। यह बेल समय आने पर स्वयं लग जाती है या सूचना भी अनाउंस कर सकती है। आइए इसका एक डिमोंस्ट्रेशन देखते हैं कि ये बेल लगती कैसे। मान लीजिए कि पांचवा पीरियड आपको लगाना है तो ये कुछ इस तरीके की लगेगी। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक बेल को सेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक बेल सेटिंग टैब पे आएंगे और यहाँ पे बेल बनाएंगे। हम एक साथ कई बेल को सेव कर सकते हैं और उसमें से किसी एक को एक्टिव कर सकते हैं। जो बेल एक्टिव होगी ये बेल उसी के टाइम टेबल को फॉलो करेगी। तो आइए देखते हैं कि हम नई बेल कैसे बना सकते हैं। जैसे हम टाइप करते हैं, हमें एक बेल बनानी है जिसका नाम देना है बेल वन। सपोज दैट इसकी टाइमिंग जो है 7 से 1 बजे की है, तो हम यहाँ पे 7 बजे से 2:01 PM ये रख लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। जो ही हम ऐड करेंगे ये इस ड्रॉप डाउन बटन में आ जाएगा। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए टाइम टेबल सेट करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे हम सीरियल नंबर 1 लिखते हैं। पहली बेल वार्निंग की, वार्निंग बेल ये मान लीजिए कि पीरियड नंबर पे हम, चूंकि ये कम से कम 20 बार तो लगेगी ही, इसलिए 20 डाल देते हैं। पीरियड का टाइम जैसे कि मान लीजिए कि ये 6:55 पे लगनी है तो 6:55 हमने अब सेट कर देते हैं। और यहाँ पे हम ऑडियो फाइल चूज करेंगे कि कौन सी बेल लगनी है। हमें टेम्पल बेल सेलेक्ट करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 2 ऐड करेंगे। यहाँ पे प्रेयर बेल सेट करेंगे हम, ये एक बार लगेगी, ये 7 बजे के टाइम पे लग गई है इसलिए हम यहाँ पे 7 बजे डालेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें बेल का टाइम जो है 24 आवर के फॉर्मेट में ही डालना है। अगर 1 बजे डालनी है कोई बेल तो उसके लिए हम 13 बजे लिखेंगे। हमें 24 आवर के फॉर्मेट को फॉलो करना है। यहाँ पे हम फिर से टेम्पल बेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम पूरी बेल को सेट करते जाएंगे एक एक करके और यहाँ पे हम अपडेट बेल टाइम टेबल पे क्लिक कर देंगे और फिर हम ऑटोमेटिक बेल पर क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि जो बेल हमारी एक्टिव है वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे दिखा रहा है ऑटोमेटिक बेल इज यूजिंग फॉलोइंग टाइम टेबल। इसका मतलब है कि हमारी जो बेल है, ऑटोमेटिक बेल है, वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर रही है। यानी कि अगर 6:55 हो गया अगर टाइम तो ये बेल ऑटोमेटिक लग जाएगी। मान लीजिए कि हमारा समय 6:55 होने वाला है, सुबह के 6:55,
देखते हैं जब शेप उत्पन्न हो जाता है तो ये बेल कैसे लगती है। जब भी ये बेल रिंग हो जाएगी तो हमारा जो संबंधित कॉलम रो है वो रो पिंक कलर में हो जाएगी। पिंक कलर होने का मतलब है कि बेल लग चुकी है और जो बेल अभी लगनी है उसका कलर बाय डिफॉल्ट वो वाइट होगा और जैसे जैसे बेल लगती जाएगी वैसे वैसे कलर भी चेंज होता जाएगा। जैसे 6:55 होने वाला है तो ये बेल कुछ इस तरीके की लगेगी। और आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऑडियो फाइल चेंज करना चाहते हैं तो ऑडियो फाइल में उस फाइल का नाम चूज करेंगे जिस टाइप की बेल आप सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे टाइम दिखाता है कि अभी प्रेजेंट टाइम क्या है और क्या चल रहा है। डेट अनाउंसमेंट करना है मैन्युअली हम कैसे कर सकते हैं इसको। टीचर की अनुमति के बिना कोई भी बच्चा अपनी क्लास से बाहर न जाए, पास लेकर ही क्लास से बाहर जाएं। दूसरे तरीके का अनाउंसमेंट इस तरीके का। कृपया लाइन में चलें, गैलरी में दौड़ना मना है। पीन बेल के लिए अगर आपको पीन को कॉल करना है तो यहाँ पे आप पीन बेल के लिए क्लिक कर देंगे। ये पीन बेल है, इसको आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं या फिर आप मैनुअल भी इसको बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।